हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोनेटाइजेशन क्या है, यूट्यूब मोनेटाइजेशन क्या है। अगर आप एक यूट्यूबर है तो आपके चैनल के लिए यूट्यूब मोनेटाइजेशन ज़रूरी है। अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन ज़रूरी है। यूट्यूब मोनेटाइजेशन क्या है कि उसमें एक रूल बनाया है कि 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर का, राइट। तो ये जो क्राइटेरिया जो पूरा करना है वो एक साल के अंदर करना है। एक साल मींस ये फिक्स नहीं है कि जैसे कि जनवरी 2020 में हमने चैनल क्रिएट किया और उसकी जो लिमिट है वो जनवरी 2021, ठीक है, एक साल। जबकि एक साल इसका फिक्स टाइम नहीं है, इसका जो टाइम है वो है 365 डेज, राइट। चलिए मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ टाइप करेंगे 365, राइट, टाइप कर दिया। और यहाँ हम चैनल क्रिएट, यहाँ पर देखेंगे चैनल क्रिएट करने की डेट। मान लीजिए हमने इसे जनवरी, ठीक है, 2020 में क्रिएट किया। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं, जैसे कि यूट्यूब का रूल है कि बहुत से यूट्यूबर्स आपको ये समझाते हैं कि एक साल के अंदर ये क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। एक टाइम, एक साल इसके लिए फिक्स नहीं है। इसका जो टाइम है एक्चुअल में वो 365 डेज है, वर्किंग डेज, ठीक है। तो अब हम यहाँ जैसे कि बहुत से लोग इसे कुछ अलग ही तरह से मतलब समझ पाते हैं कि एक साल, ठीक है। हमने यहाँ पर जो डेट डाली, मतलब चैनल क्रिएट करने की डेट है जनवरी 2022, एक मिनट, ठीक है, 1/1/2020, ठीक है, चैनल क्रिएट करने की डेट है। और हम यहाँ पर इसका जो एंडिंग वन ईयर जो एंड है इसका वो डाल देते हैं यहाँ पर जनवरी 2021, ओके, ठीक है। अब मान लो कि ये तो हमने स्टार्ट किया, चैनल क्रिएट किया और इसका एंड टाइम ये है, यानी कि एक साल, जो बाकी यूट्यूबर्स आपको बताते हैं कि एक साल का क्राइटेरिया ये हो गया, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ, एक बार आप ज़रा ध्यान से समझिए, 365 डेज, राइट, ठीक है। अगर हम मान लो कि हमने 365 डेज के अंदर ये क्राइटेरिया पूरा करना है, तो हम जैसे ही हम आगे प्रोसेस करते हैं 365 डेज में, अब हम जैसे कि नेक्स्ट डे हो गया, ठीक है, अब हमने इस दिन हमने चैनल क्रिएट किया, वीडियोस डाली और उस पर व्यूज़ आने लगे, अब उसका जो वॉच टाइम है वो काउंट होने लगेगा, ठीक है। अब हम जैसे कि 365 डेज यानी कि एक साल पूरा कर लेते हैं और मान लो कि हमारा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो उसमें होता है कि 365 डेज होने के बाद अगर उसमें एक दिन और प्लस हो जाता है तो कितने हो गई, 366, ओके, 366। तो इसमें से पीछे से जहाँ से हमने जिस दिन वो चैनल क्रिएट किया था उसमें से एक दिन आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, फिर से यहाँ 365 हो जाएगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पर प्लस का आइकन बना देता हूँ, प्लस वन, ठीक है। अगर 365 डेज से ऊपर प्लस हुआ तो इधर से उसका जो पहले दिन का वो था जिस दिन चैनल क्रिएट किया, वॉच उस पर वीडियोस डाली, उसका वॉच टाइम कम हो जाएगा, बल्कि यानी कि एक दिन में फर्स्ट डे जो व्यूज़ जो भी वो था वो सब जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर क्या है कि बहुत से लोग गलत समझ लेते हैं कि इसकी, भाई इसकी तो लिमिट है कि एक साल के अंदर ही क्राइटेरिया पूरा करना है अगर आपको यूट्यूब मोनेटाइजेशन अनेबल करना है तो। इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है, इसमें बस एक यही है कि 365 डेज यानी कि 365 दिन
से अगर एक्स्ट्रा करते हैं उसमें और एक दिन प्लस हो जाता है, उसके पीछे का पहले वाला दिन जो है माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से बहुत से लोग यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लेते हैं और उनका नहीं हो पाता है कि वो चैनल फिर वो बंद ही कर देते हैं, बहुत से डिलीट कर देते हैं, और मतलब जिन्हें समझ में नहीं आता है। लेकिन जो लोग इस मेथड को समझ पाते हैं और फिर वो अच्छे से इसे प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो मेरा जो आज का जो समझाने का वो था कि वो यही था कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए कोई फिक्स लिमिट नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, बस उसमें 365 डेज के अंदर ही वो क्राइटेरिया पूरा करना है। अगर 365 डेज से ऊपर भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका यूट्यूब ज़रूर मोनेटाइज हो जाएगा, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बस ये कि 365 डेज के अंदर ही वो क्राइटेरिया पूरा करना है। राइट, आई होप कि आप अच्छे से समझे हो। एक बार मैं फिर से आपको दोबारा समझा देता हूँ कि 365 डेज में अगर एक दिन और प्लस होगा तो उसके पहले वाला दिन जो है माइनस हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए कोई लिमिट नहीं है, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है कि यार 1 साल, जैसे कि हमने जनवरी 2022 में चैनल क्रिएट किया और उसका जो फिक्स है लिमिट है वो जनवरी 2021। ठीक है, तो इसका तो मेरा समझाने के बाद यही था कि आई होप कि अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई फैक्ट या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।